Thought it I would half and I flipped it in a double. Hey guys and welcome back to my YouTube channel. So guys, welcome back to the third part of civic rebuild series. So हम लोग ने सबसे पुराने part में क्या किया था, जो हम लोग का mechanical work है वो complete कर दिया था. तो ये part में आपको देखने मिलेगा हमारा जो body work है वो सब. पहले चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या install करने वाले हैं हम लोग की गाड़ी में before paint भी कुछ ना कुछ तो modification होना चाहिए guys. तो वो अभी मैं आपको बता देता हूँ. तो सबसे पहले आप देख लो ये bumper का हालत. तो आप देख सकते हो मेरी गाड़ी में bumper ही नहीं है. थोड़े दिन पहले सीन क्या हुआ, जस्ट मैंने पार्क किया था गाड़ी और आगे पत्थर था, वो देखा नहीं मैंने, और जस्ट मेरा बम्पर टच हुआ वो पत्थर पे. अभी से मैंने कार खरीदा है तो बम्पर 3 या 4 स्क्रूज पे ही लगा हुआ है. स्क्रूज पे ही लगाया था, आपने तो देखा रहेगा कितनी बुरी कंडीशन थी मेरे बम्पर की. तो बम्पर निकल गया एक साइड से, तो मैंने क्या किया पूरा बम्पर निकाल दिया क्योंकि अभी एक नया बम्पर आने वाला है. बम्पर जो वो अभी तक आया नहीं है मेरे पास, 1-2 दिन में आ जाएगा बम्पर. वैसे ही हम लोग वो पेंट का काम स्टार्ट कर देंगे. तो हम लोग लगाने वाले कस्टम बम्पर, कस्टम रियर बम्पर, उसके बाद साइड स्कर्ट जो है वो पूरे कस्टम रहेंगे, और हमारा बोनेट जो है वो पूरा कस्टम रहने वाला है. आप देख सकते हो ये बाटली है छोटी सी, और बाटली के नीचे ही जस्ट लगा हुआ है मोटर. तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम लोग वाइपर का बटन प्रेस करके रखते हैं, यहाँ के और यहाँ के दो वेंट्स, ये यहाँ से पानी आता है, मतलब वाइपर का वॉशिंग फ्लूइड आता है. तो बॉटल भी फट चुका है मेरा और ये मोटर बराबर काम नहीं कर रहा. तो दोनों चीज़ हम लोग को चेक करने वाले हैं. अभी काम नहीं कर रहा, मेरे को भी पता नहीं क्या इसका प्रॉब्लम है. लेट्स सी कि लीकेज कहाँ से. मैंने पानी तो भर दिया, अभी थोड़ा सा और पानी भर रहा हूँ इसमें मैं. तो गाइस जो वॉशर फ्लूइड हम लोग डालते हैं उसका मैं मोड ऑन कर देता हूँ, और नीचे से आप एक बार चेक कर लीजिए. एक्चुअली इसका पाइप जो है वो निकला हुआ है. अभी पाइप का हम लोग को पूरा चेकिंग करना पड़ेगा कि पाइप कहाँ से निकला हुआ है. जैसे हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा गाइस, इसमें जो हम लोग का पाइप है वो प्रॉपरली लगा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग को पाइप लाइन अभी चेक करना पड़ेगा सही है कि नहीं है, नहीं तो नया पाइप से हम लोग को खरीदना पड़ेगा और इसको स्टार्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे रखा हुआ है एज यू कैन सी, ये बम्पर की ऐसी हालत है. एक्चुअली बम्पर मैं फिर से लगा सकता हूँ, बट रहने दो अभी ऐसी रख देता हूँ, क्योंकि 1-2 दिन में हम लोग का बम्पर आ जाने वाला है. और वहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये एनएस है, पुरानी एनएस, ऐसे का ऐसी रखा है मैंने. हर एक चीज़ वर्किंग है इसका, शॉकअप से लेके इसका व्हील से लेके सभी चीज़ प्रॉपरली चल रही है. जैसे अभी एक मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंजन का चेकलाइट दिखा रहा है. तो हम लोग अभी क्या करते थे, ओबीडी स्कैनर से स्कैन कर लेते. ये कार पीएम का एक ओबीडी स्कैनर है जो मैंने पहले वीडियोज़ बनाया था, ये सबसे बेस्ट लगता है मेरे को. तो ओबीडी स्कैनर मैंने लगा दिया है. अभी हम लोग क्या करते हैं, स्कैनिंग चालू करते हैं और देखते हैं क्या फॉल्ट है. मेरे को तो ऐसा लग रहा नहीं कुछ फॉल्ट होगा, क्योंकि गाड़ी बनाने से पहले कुछ इसमें फॉल्ट नहीं था. अभी जस्ट 2-3 वायर निकले हुए रहेंगे या फिर कुछ रीसेट करना होगा हमें. गाइस और एक चीज़, अभी इंजन स्टार्ट है, आप देख सकते हो आरपीएम इसका. थोड़ा रेव कर देता हूँ मैं, तो आप सोच सकते हो कि आवाज़ ज़रा सा भी नहीं आ रहा. पहले जो है अंदर बहुत ज़्यादा गंदा आवाज़ आता था, जो मैंने एसी कंप्रेसर का बताया था, अभी एकदम क्लियर हो चुका है. तो गाइस मैंने ऐप कनेक्ट कर दिया. तो हम लोग अभी क्या करने वाले, वापस स्कैन करने वाले पूरा. तो ये स्कैन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, इसको वेट करते हैं और लेट्स सी कि कौन सा कोड आने वाला है. और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो आज जो है हमारा बम्पर किट आने वाला है. तो एक्चुअली हम लोग का जो बोनट है और बम्पर है वो आज आने वाला है, फिर रियर बम्पर और साइड स्कर्ट जो दोनों है वो बाद में आने वाले हैं. केरला से पार्सल आ रहे थे, उन लोग बहुत डिले कर रहे हैं, प्रोफेशनल कुरियर वाले बहुत अनप्रोफेशनली वे में काम कर रहे हैं उन लोग. बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ मैं उन लोग से, क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रीज़न की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ. तो रिपोर्ट जो है हमारा आ चुका है. तो एकदम नॉर्मल सा रिपोर्ट है, इतना ज़्यादा खतरनाक रिपोर्ट नहीं है. सबसे पहला फॉल्ट आप देख सकते हो, लो वोल्टेज डिटेक्टेड इन मास एयर फ्लो सेंसर. ओके, वोल्टेज डिटेक्टेड फ्रॉम इनटेक एयर टेम्परेचर. ओके, फिर उसके बाद लास्ट आप देख सकते हो, इशू इन इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर. तो तीनों जो सेंसर है, एयरबॉक्स निकाला था क्योंकि वो दूसरा काम करने का था, रेडिएटर में एक सेंसर रहता वो भी निकाला था क्योंकि उसमें भी थोड़ा रेडिएटर सर्विस करना था. तो ये तीनों सेंसर जो है वो मैं फिक्स कर दूंगा, इतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ये काम तो मैं कर दूंगा. आ गया है चंपा का किट, आ चुका है. अभी और एक चीज आने वाला है, एक्चुअली ये दो चीज ही आया सिर्फ. लेट्स सी, अभी बोनट आया है और फ्रंट बम्पर आया है, रियर बम्पर और साइड स्कर्ट्स बाकी. घर पे लेके जाते मैं बोल रहा हूँ. नाइस.
तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा बोनट आ चुका है और बम्पर आ चुका है। एक सीन में आपको बता देता हूँ, जो पीछे का बम्पर है और साइड के जो स्कर्ट्स है और बाकी क्वार्टर पैनल वो सब नहीं आएगा क्योंकि वो अभी ट्रांसपोर्ट में ही है, अभी वो एक दो दिन में आ जाएंगे, बट हम लोग कलर का काम चालू कर देंगे। ये हुक्स जो है ये लैच में कनेक्ट होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इन लोग ने थ्रेडिंग वाला ये भी बना के दिया हुआ है। ये कम्प्लीट पूरा सेट बनाया है इन लोग ने। नया बम्पर है और यहाँ पे है हमारा नया बम्पर। तो ये नया वाला बम्पर जो है फ्रंट वाला मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि ये नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको देखने मिल जाएगा। वाला जो बम्पर है कम्प्लीट ये फाइबर से बना हुआ है। तो इसमें जो है गाइस दो टाइप के मटेरियल आते हैं बम्पर में, एबीएस प्लास्टिक का आता है और एक फाइबर का आता है। ये फाइबर का मतलब ये पूरा हैंडमेड बना हुआ है और जो एबीएस प्लास्टिक का रहता है वो मोल्डिंग वाला रहता है, वो ज्यादा कॉस्टली रहता है। समझो अगर 70,000 का बम्पर है एबीएस प्लास्टिक का, फाइबर में बनाने जाओगे तो 30,000 में आपको मिल जाएगा। पहली बार मैं यूज कर रहा हूँ कोई फाइबर वाला मटेरियल बम्पर में, बट ऐसा माना जाता है कि एबीएस प्लास्टिक वाला जो बम्पर रहता है अच्छी क्वालिटी का रहता है वही यूज करना चाहिए आपको। बट अभी फाइबर वाला हम लोग देखते हैं। ये मेरे को अच्छे खासे प्राइस में मिल गया, इसके लिए मैंने इसको बाय कर लिया। प्राइसिंग जो है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, मतलब जब हम लोग बम्पर वम्पर सब फिक्स कर देंगे तभी बता दूंगा। तो एक्चुअली ये जो पूरा बम्पर किट है हम लोग ने मंगाया केरला से, तो केरला से आया हुआ है इसलिए बहुत ज्यादा दिन हो गया। इसलिए मैं रुका हुआ था कि मैं पेंटिंग का काम कब स्टार्ट करूँ, ऐसा जाता था कि कोई बम्पर ही नहीं आया और पेंटिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। बट अभी थोड़ा सामान आ चुका है तो हम लोग हाँ अभी स्टार्ट कर सकते हैं काम। As you can see, ये वाला बोनट हम लोग ने खोल दिया। ये बोनट जो है पूरा मेटल का बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो लैच है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक और दो बोल्ट, सेम ऐसे ही बोल्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, एक और दो। चारों बोल्ट निकल जाएंगे तो ये बोनट निकल जाएगा। गाइस बोनट जो है हम लोग ने कम्प्लीटली निकाल दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा नया बोनट है। तो ये हम लोग फिट करेंगे। यहाँ पे इन लोग ने थ्रेडिंग दिया हुआ है अंदर ही, जैसे मैंने बताया था सेम बोल्ट्स लगने वाले। तो हम लोग ने जो बोनट है वो लगा दिया है, चार बोल्ट्स जो है वो भी लगा दिया है मैंने। अभी जस्ट चेक करते कि ये प्रॉपरली फिट हो रहा है या नहीं फिट हो रहा है। तो बाकी सब लैचेस वैचेस सब बराबर दिए। आज के इस वीडियो के लिए तो बम्पर मैंने आपको बताया, बम्पर आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा। सभी चीज जो है ये यही कलर के, ब्राउन कलर के, हम लोग इसको डिफरेंट कलर में करने वाले। अगर आपको कोई कलर का थॉट्स रहेगा दिमाग में तो जस्ट कमेंट करके मेरे को बता दीजिए। आई विल बी एंडिंग माय वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सीन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय। Bitches waiting for them photos.